तो एडोबी फोटोशॉप का एक नया अपडेट आया है जो बहुत चीज़ें चेंज करने वाला है, बिकॉज अभी तक टिल डेट मुझे लगता है सबसे बेस्ट अपडेट है, बट एट द सेम टाइम फोटोग्राफर्स के लिए ये बहुत स्केरी होने वाला है। आप में से कई लोगों को ये सवाल होंगे कि क्या AI फोटोग्राफी को रिप्लेस करने वाला है, बिकॉज ये जो अपडेट है ये प्रॉपर AI बेस्ड है, जहाँ पे आप ये जनरेटिव फिल टूल को यूज़ करके बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हो, जैसे कि एक फोटो में बोट को ऐड करना है, बर्ड्स को ऐड करना है, अपनी शक्ल के ऊपर चश्मा लगाना है, रिस्ट वॉच ऐड करनी है, ऐसी बहुत चीज़ें मैं आपको वीडियो में करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना क्रिएटिव क्लाउड ऐप ओपन कर लेना है डेस्कटॉप पे। वहाँ पे आप जब बीटा ऐप वाले सेक्शन में जाओगे, आपको फोटोशॉप ब्रैकेट में बीटा लिखा हुआ दिखेगा, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको एक ये प्रॉम्प्ट आएगा, जहां पे जनरेटिव फिल के बारे में आपको एक आइडिया दे देंगे कि भाई कैसे काम करता है। तो लर्न मोर करते हैं और देखते हैं क्या चीजें हम कर सकते हैं। पहली चीज, जरूरी नहीं आप ऐड कर सकते, मैं आपको यह दिखाता हूं कि अगर यहां पे बोट है और मुझे इसको हटाना है तो इस तरीके से मैं सिलेक्शन करूंगा और जनरेटिव फिल पे क्लिक करके एग्री कर लेते हैं पहले। तो अगर आप यहां पे कुछ टाइप करते हो तो ऑटोमेटिकली कुछ जनरेट करेगा, बट मुझे अगर सिर्फ जनरेट पे क्लिक करना है तो इस तरीके से आप देखोगे लोडिंग हो रहा है और कुछ टाइम के बाद आप देखना है बोट को यहां से कंप्लीटली गायब कर देगा। तो देखा आपने कि इस तरीके से बोट को एक गायब कर सकता है। अब मान लेते हैं मुझे इस जगह पे एक बोट ऐड करनी है, मान लेते हैं हमें मोटर बोट चाहिए, ठीक है। तो जनरेटिव फिल पे गया, यहां पे मैं टाइप करूंगा मोटर बोट और अब हम क्लिक कर देते हैं जनरेट पे। तो ये टाइम लेता है डिपेंडिंग 10 सेकंड के आसपास, इजीली टाइम लेके आपको कुछ जनरेट कर देगा। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो अब आप देख रहे हो कि इसने मुझे इस तरीके की एक रेड मोटर बोट दी है और बढ़िया चीज क्या है, आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं इस तरीके से यहाँ पे। ये देखो मैं नेक्स्ट कर सकता हूँ 1, 2, 3, तो 3 ऑप्शंस आपको देता है। मान लेते हैं मुझे पहला वाला ऑप्शन बढ़िया लग रहा था और ये भी एक ऑप्शन है। उसके बाद मान लेते हैं कि अगर मुझे फिर भी पसंद नहीं आ रहा, मैं फिर से जनरेट के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ और अब देखते हैं कि और कुछ वेरिएशन देता है नहीं। तो अब यहाँ पे मुझे इन टोटल 6 ऑप्शंस मिल चुके हैं, 1, 2, 3, ये इसने 3 नई ऑप्शंस ऐड करी हैं पहले 3 को छोड़ के। तो लगता है ये वाली बढ़िया ऑप्शन है, इस तरीके से मैं इसको ओके कर सकता हूँ। तो और बढ़िया चीज़ ये है, राइट साइड में मुझे ये दिखा रहा है जनरेटिव लेयर, तो यहाँ से मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ और अगर कुछ चेंजेस करने हैं, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, ये सब, तो वो भी मैं इंडिविजुअली कर सकता हूँ। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ऊपर स्काई में एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोलते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। Flock of birds. Okay, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आया, अगेन मैं वेरिएशन देख लेता हूँ, ये फिर भी डिसेंट है बट मुझे उतना बढ़िया नहीं लग रहा। तो एक काम करते हैं, एक बार फिर से जनरेट पे क्लिक करके देखते हैं। ओके, तो इस बार थोड़ा बढ़िया आउटपुट मिला है, यहाँ पे मुझे 3 और वेरिएशन मिले हैं। मान लेते हैं मुझे ये वाला रखना है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि आप जो फोटोज में है कैसे आप चीजें ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ये चीजें पहले भी थी बट अब AI की हेल्प से आपको बस टाइप करना और अपनी आप चीजें आ जाएंगी। आपको गूगल पे जाके PNG नहीं ढूंढना है, सब टाइम वेस्ट नहीं करना। और ये एक्चुअली जो AI है महीने भर महीने इंप्रूव होता जाएगा। तो अगर आपका एक क्वेश्चन है कि क्या ये स्केरी है, क्या ये आपकी फोटोग्राफी को अफेक्ट कर सकता है, उसका आंसर मैं आगे दूंगा, 1-2 एग्जांपल जाओ देख लेते हैं। तो अब मान लेते हैं कि मुझे ये साइड वाले एरिया जो खाली है यहाँ पे फिल करवाना है फोटोशॉप से, जो भी वो करता है। तो इस तरीके से मैं ये सेलेक्ट कर लूंगा एरिया और ये करने के बाद जनरेटिव फिल पे क्लिक करके जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। आप देखते हैं कि भैया क्या ऐड करते हैं और सही से कर पाता है नहीं। अमेजिंग, तो ये जो आउटपुट आया ना, एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि पीछे वही बैकड्रॉप कैरी फॉरवर्ड हुआ है। सिमिलरली मैं दूसरी तरफ भी ये चीज़ कर सकता हूँ, मतलब ज़रूरी नहीं है लासो टूल, आप नॉर्मल सेलेक्शन से भी कर सकते हो। मैं जैसे आपको दिखा रहा था, यहाँ भी अगर मैं जनरेटिव फिल करके जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से एक मुझे सीमलेस बैकड्रॉप मिल जाता है। तो अब अगर आप वर्टिकल में फोटो शूट कर रहे हो, बैकग्राउंड थोड़ा सिंपल है, प्लेन है, इस तरीके से आप एक क्लिक से वो ऑटोमेटिकली फिल जनरेट करवा सकते हो। तो अब एक काम करते हैं, मेरा जो चश्मा है वो बढ़िया लग रहा है बट मान लेते हैं मुझे सनग्लासेस ऐड करने हैं। तो एक बार सिलेक्शन करके देखते हैं, मान लेते हैं इतने एरिया में कौन से कलर का लें, रेड कलर, क्योंकि हुडी पहनी है तो रेड सनग्लासेस, देखते हैं ये क्या ऐड करके देता है। ये थोड़ा सा फनी लग रहा है बट वेरिएशन देखते हैं क्या क्या मिले हैं। ये थोड़ा सा अजीब हो गया बट वो यार AI परफेक्ट नहीं है अभी भी, ये फिर भी सही है, थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है। फर्स्ट वाला भी सही है आई थिंक, सेकंड वाला मुझे बढ़िया लग रहा है। एक बार एक काम करते हैं, रेड की जगह ना ब्लैक वाले ऐड करते हैं। हाँ, तो ब्लैक में थोड़ा सही आउटपुट लग रहा है मुझे आई थिंक। इस ये अगेन थर्ड रिजल्ट बहुत अजीब सा दे रहा है, ये वाला मुझे एकदम सही लग रहा है। इस तरीके से सनग्लासेस ऐड कर सकते हैं, रिस्ट वॉच ऐड करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ मैं ये सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और मान लेते हैं हमें इतने एरिया पे रिस्ट वॉच ऐड करवानी है। तो गोल्डन रिस्ट वॉच,
वाह, तो अगर मैं इसको जूम करके देखूं, वेरिएशन चेंज करते हैं, हाँ ये एकदम सही बैठ रहा है। इवन ये वाली मतलब थोड़ा सा इधर उधर है अभी भी, बट स्टिल अगर आप ये देखो, मैं ये वाली वॉच अगर जनरेट कर लेता हूँ और जूम आउट करता हूँ, तो इतना आइडिया नहीं लगेगा आपको कि असली है या नकली है। तो मान लेते हैं बैकग्राउंड में मुझे यहाँ पे एक फ़ोटो फ्रेम ऐड करवाना है, तो इसको देते हैं फोटो फ्रेम ऑफ अ कैमरा। ओके, तो फोटो फ्रेम आ गया, बट अगर आप एक चीज़ देखोगे ना इंटरेस्टिंगली, क्योंकि बैकग्राउंड भी ब्लर है तो ये फोटो फ्रेम को भी ब्लर करके दे रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी, एआई का ये एक बेनिफिट मेरे को अभी देखने को मिला कि वही बैकग्राउंड ब्लर है तो फोटो फ्रेम भी ब्लर हो रहा है। तो ये एक वाटरफॉल की फोटो है मेरे पास, मुझे बहुत ब्लैंक लग रही है, मे बी मैं चाहता हूँ कहीं एक बंदा खड़ा हो, ठीक है। तो मान लेते हैं हम एरिया सेलेक्ट करते हैं ये वाला, और यहाँ पे हम फोटोशॉप से पूछते हैं और देखते हैं कि क्या ये अ मैन स्टैंडिंग विद अ स्टिक इन रेड जैकेट। अमेजिंग, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैन मुझे मिल गया, ये एक और आ गया और ये भी आ गया। मे बी ये वाला एकदम सही चल सकता है। आप देखो अब इस फोटो को अगर मैं इमेजिन करूँ कि कोई पर्सन नहीं है और यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, और इसने बैकग्राउंड को कितने अच्छे से ब्लेंड करा है वो आप देखो चीज़, और स्टिक भी है, रेड जैकेट भी है और बंदा भी खड़ा हुआ है। तो बहुत सही चीज़ लगी मुझे कि इस तरीके से आप अपनी नॉर्मल फ़ोटोज़ को ना, अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होने वाला है, आप एक फ़ोटो खींच के आए एक जगह पे, पहले क्या होता था आप मतलब मैंने खुद में आता था एक एक घंटा एक जगह पे रुकाऊँ कि मुझे यही पर्टिकुलर पर्सन इस पोजिशन पर चाहिए। अब क्या है, आप वहाँ पर हो, आपने फ़ोटो खींची, घर पर आए, फोटोशॉप में जनरेटिव फिल से इस तरीके की कुछ कमांड दी और धीरे धीरे बेटर होता रहेगा और आप इस तरीके की कुछ इमेजेस जनरेट कर पाओगे। स्केरी है, बट एट द सेम टाइम अगर सही टाइम पे आप अपनी इन चीज़ों को अपग्रेड कर लेते हो, इन चीज़ों को एआई को अच्छे से जान लेते हो, तो आपका ही बेनिफिट होगा। लॉस भी हो सकता है अगर आप नहीं अपडेट करते, नहीं समझते, बिकॉज एआई इज़ द फ्यूचर मेरे हिसाब से। फोटोशॉप, फोटोग्राफी, हर चीज़ में एआई आने वाला है, तो जितना आप जल्दी सीखोगे उतना बेटर है। आपके क्या व्यूज़ हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं जानना चाहूँगा आपको क्या लगता है कि भाई इस टूल से क्या चीज़ें चेंज होंगी, एआई इन जनरल के बारे में आप क्या सोचते हो। मैं मिलता हूँ आगे आपसे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।